हम मोदी जी से पूछे, मेरा थोड़ा पर्सनल कॉन्टेक्ट है, हम मोदी जी से पूछे, मोदी जब आपके घरों में आपके बेटे के संस्कार अच्छे होंगे तब हमारे शहरों में बेटियां बहुत अच्छे से घूम सकती है। इसीलिए अच्छा एक बात अभी भी समझा दे रहा हूं, जितने लोग आगे बैठे हैं उधर से उधर, यहां से कोई गाकर जाए ना खत्म करके, आप लोग ताली बजाइए, पूछे क्यों। देखिए ये गलती हमारे में नहीं है, हमारे पूरे हिंदू समाज में। अगर हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा दसवीं बार भी सुन रहे होते हैं लेकिन जब तक पंडित जी नहीं बोलते अध्याय समाप्त हुआ, हम लोग अक्षत फूल नहीं छोड़ते। इसलिए आज हम ही बता देंगे अध्याय समाप्त हुआ, आप लोग ताली बजा दीजिएगा, बजाएगा ना नहीं तो बजा के बताइएगा हम जगह। जो चार आदमी बजा रहे हैं छोड़ ही दीजिए, एक तो हम उतर के गए थे, बोले इतना देर से जो हम बका रहे हैं आप ही को समझ में आया, बोला भैया समझ उमझ में नहीं आया, हम तो खैनी कूट रहे। कई बार ऐसा भी होता है, तो वो चीज नहीं करना है, थोड़ा सा आगे स्टैंडर्ड बढ़ाइए। भागलपुर अब स्मार्ट सिटी होने जा रहा है, थोड़ा सा मेंटेन करके रखना होगा। लेकिन आइए, बड़ा प्यारा माँ का दरबार, हमने कल नौ कन्याओं को बुलाकर मंदिर में भोजन करवाया है, उस नौ कन्याओं को माँ दुर्गा का नौ रूप माना है और ये हमारे बिहार के संस्कार में है कि हम अपने घरों में बेटियों को कैसे मानते हैं। ये हमारे संस्कार है, ये भागलपुर का संस्कार है, ये आंध्र प्रदेश का संस्कार है। एक रंडिया बोले तो बीच में खून का कि नहीं किया दीजिए, बोलने का पैसा लेते हैं, समझेंगे हर कोई बात नहीं है। पता है हमारा बिहार है, हमारा भागलपुर है, हम बेटियों का सम्मान करते हैं, बेटियों की बहुत इज्जत करते हैं। और आपके आप शहर में भागलपुर में पंजाब की एक बड़ी खूबसूरत बेटी आई हुई है, माता रानी के चरणों में हाजिरी लगाने का मौका मिला है। उसे जरा सा भी ये ना लगे कि वो एक दूसरे जिले से इस जिले में आई है, उसे अपना समझकर समझिएगा, क्योंकि हमारा भागलपुर बेटियों को समझता है। तब मैं कहता हूं कि मेहंदी कुमकुम चंदन का त्यौहार नहीं होता, रक्षाबंधन में चंदन का प्यार नहीं होता, और उस घर का आंगन हमेशा सोना रहता है जिस घर में बेटियों का अवतार नहीं होता, जिस घर में बेटियों का अवतार नहीं होता। आइए उसी बेटी को मैं बुलाऊंगा मंच पे, क्योंकि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। रानी लक्ष्मीबाई बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है, ऐशबंद सौंदर्य के सारे जहां को जीत लाई, सानिया सिंधु खेल के मैदान में भी खेल खिलाई, सुरलता मंगेशकर सुर के समंदर जो उड़ते हैं, और मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तौलते हैं, मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तौलते हैं। आइए अच्छा इतना हम बोल दिए बेटियों के बारे में, इधर वाला बेटा सब बैठा हुआ, मोदी जी 50% छूट भी दे दिए हैं बेटियों को, एक योजना भी चल रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हम मोदी जी से पूछे, मेरा थोड़ा पर्सनल कॉन्टेक्ट है, हम मोदी जी से पूछे, मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटा बेटा को गंगा जी में बहा दो, ऐसा नहीं ना, बेटा को भी पढ़ाना जरूरी है। जब आपके घरों में आपके बेटे के संस्कार अच्छे होंगे तब हमारे शहरों में बेटियां बहुत अच्छे से घूम सकती है। इसीलिए बेटियों को पढ़ाने की जरूरत है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अपने बेटे को पढ़ाने की जरूरत है। आज विजयादशमी है, जितने गार्जियन यहां पर उपस्थित है जो अपने बच्चों को मेले में लेकर आए हैं, चलो तुम्हें रावण वध दिखाने ले जाता हूं। जब जब रावण दिखाया जाएगा राम के संस्कार छोटे होते जाएंगे, और जब जब आप कहेंगे कि चलो राम दिखाने लगते हैं तब तक रावण का संस्कार छोटा होता जाएगा।
यही आप सबों में चाहता हूं कि अपने बेटों में, अपने बेटियों में राम के संस्कार डालिए, अपने बेटों में कृष्ण के संस्कार डालिए। आइए माँ दुर्गा की प्रतिमा, हम और आप, भागलपुर की सरजमीन, बड़ी खूबसूरत सी बेटी,